नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो मित्रम में। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो मित्रम में आपका स्वागत है। मैं पंडित सी आर शर्मा, मुझे लोग गौतम गुरु जी के नाम से जानते हैं। आज मैं आपको कृष्णमूर्ति पद्धति के बारे में कुछ बात समझाने की या कहने की कोशिश करता हूँ। कृष्णमूर्ति पद्धति कोई अलग से पद्धति नहीं है, पाराशर ज्योतिष का जो इंसाइक्लोपीडिया है उसी का परिवर्धित रूप है। कृष्णमूर्ति पद्धति और पाराशर पद्धति में कोई फर्क नहीं है, दोनों की दशा अंतरदशा का वही सेम मोटो लिया गया है, वही सेम तो लिया गया है। कृष्णमूर्ति पद्धति में सिर्फ एक परिवर्तित किया गया है, इसका रूप परिवर्तित किया गया है कि पाराशर में जो दशा वर्ष निकाले गए हैं वो वर्ष माह और दिन में निकाले गए थे, परंतु कृष्णमूर्ति पद्धति को उसी दशा वर्ष माह दिन को लेकर के कृष्णमूर्ति जी ने अंश कला और विकला की परवाहता में उसको सम्मिलित किया है। जैसे मित्रों आप जानते हैं कि चंद्रमा एक नक्षत्र में कम से कम 20 घंटे 10 मिनट से लेकर के 27 घंटे 55 मिनट तक रह सकता है, तो एक नक्षत्र का जो मान है वो पूरे 24 घंटे नहीं होता, कम या ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए हमारा जो एक नक्षत्र है 20 घंटे से लेकर के 27 घंटे तक का हो सकता है। अब एक नक्षत्र की परिभाषा अगर कहें तो उसमें उसको नक्षत्र को जो हम उदू दशा कहते हैं, सूत्री दशा कहते हैं, इसमें जो दशा वर्ष हैं सब सारे ग्रहों को अलग अलग दशा वर्ष डिवाइड किए गए हैं। जैसे कि केतु को 7 वर्ष दिए गए हैं, सूर्य को 6 वर्ष दिए गए हैं, चंद्रमा को 10 वर्ष दिए गए हैं, मंगल को 7 वर्ष दिए गए हैं, राहु को 18 वर्ष दिए गए हैं, गुरु को 16 वर्ष दिए गए हैं, शनि को 19 वर्ष दिए गए हैं, बुध को 17 वर्ष दिए गए हैं और शुक्र को 20 वर्ष दिए गए हैं। दशा क्रम का एक परिवर्तित रूप है, जैसे पाराशर में दशा का रूप आता है वैसे ही कृष्णमूर्ति में भी वही रूप आता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। केवल वर्ष माह दिन के अलावा ये परिवर्तन होता है कि अंतकला की परिभाषा में दशा पद्धति बनाई जाती है। अब ये जो सब थ्योरी है इसको हम कहते हैं सबलोट थ्योरी। पाराशर पद्धति में कई चीज़ों को हमें डायग्नोज करना पड़ता है, देखना पड़ता है, और हमारे पास जो जातक आता है वो सिर्फ इतना जानना चाहता है कि मेरा ये काम कब बनेगा, यानी कब तक बनेगा, कितना समय लगेगा, कौन से दिन बनेगा, कौन से महीने में बनेगा। पाराशर पद्धति में अगर हम बात करते हैं तो पाराशर पद्धति में हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, वो 16 वर्ग कुंडलियों को देखना पड़ता है, दशा पद्धति को देखना पड़ता है, फिर गोचर को देखना पड़ता है। ये सारी चीज़ों को देख करके ही हम फलादेश करते हैं। उसमें भी ये पाराशर में कहा जाता है कि ऐसी संभावना है, मगर कृष्णमूर्ति पद्धति में तीन प्रकार की घटनाओं को उल्लेख मिलता है। पहली घटना जो ज़्यादातर आम देखने में आती है वो निश्चित घटनाएं होती हैं, जो घटनाएं पूर्व से तय होती हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने परीक्षा दी है तो उसका एग्ज़ाम होना है, एग्ज़ाम हुआ है तो रिजल्ट आना है। अगर प्रेगनेंसी है तो बच्चा प्रेगनेंसी है तो डिलीवरी होना है। अगर हमने कहीं का टिकट बुक किया है तो हमको उस ट्रेन में जाना है या फ्लाइट में जाना है। ये सारी चीज़ों का जो नियम है उसमें यह है कि जो हमारी घटनाएं हैं निश्चित घटनाओं के लिए हम जो इसमें आरपी रूलिंग प्लेनेट जिनको कार्य ग्रह कहते हैं वो कार्य ग्रह इसमें कार्य करते हैं। दूसरी जो घटना होती है वो है अनिश्चित घटनाएं। अनिश्चित घटनाओं के लिए हमें योग दशा और गोचर को देखना होता है। योग क्या होता है, योग दशा गोचर क्या होता है, इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। योग दशा को समझने के लिए हम कर्म सिद्धांत पर जाएंगे तो हमारे तीन प्रकार के कर्म सिद्धांत आते हैं। नंबर एक आता है संचित कर्म, जो पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं उनको संचय किया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है। जो हमारे संचित कर्म हैं उन्हीं से हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है, हमारी जो भावनाएं बनती हैं, हमारा व्यवहार जो बनता है हमारे संचित कर्म से बनाया जाता है। दूसरा कर्म है हमारा प्रारब्ध। प्रारब्ध एक ऐसा जिसे हम भाग्य कहते हैं, भाग्य को बदला नहीं जा सकता, भाग्य को परिवर्तित किया जा सकता है, भाग्य को चेंज नहीं किया जा सकता है। भाग्य एक ऐसी स्थायी चीज़ है जो परमात्मा ने लिख करके भेजी हुई है। तीसरा जो कर्म है वह है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म का अर्थ वह है कि जैसे हम जो अभी वर्तमान में जो भी कार्य करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं उनका जो हमें फल मिलता है वो हमें योग दशा और गोचर में मिलता है।
तो योग क्या है, दशा क्या है, गोचर क्या है, हमको उसके समझने की जरूरत पड़ेगी। तो योग का अर्थ है, योग का अर्थ है कि जो संचित कर्म के आधार पर हमारे कुंडली में निर्मित होते हैं। योग कई प्रकार से बन जाते हैं, अच्छे योग भी बनते हैं, बुरे योग भी बनते हैं, कई प्रकार के योग बनते हैं, हजारों योग बनते हैं, मगर पाराशरी में हजारों योगों का वर्णन हमें मिलता है। कृष्णमूर्ति पद्धति में जो हम कहते हैं, हम उसमें एक ही योग को मानते हैं कि अगर मान लीजिए विवाह होना है तो क्या आपके भाग्य में विवाह है, विवाह का योग है ऐसा। अगर किसी को संतान की बात करनी है तो संतान का योग है या नहीं है, ये हम उसके भाग्य को देखेंगे, उसको योग को देखेंगे। जो योग फलीभूत, योग जो फलीभूत हो, फिर उसके बाद हम दशा का प्रभाव देखना पड़ता है। दशा भुक्ति अंतर, दशा भुक्ति अंतर वो एक चीज है कि जो हमारे को जो योग बनता है उसका जो फल मिलता है वो हमें दशा भुक्ति अंतर में मिलता है। दशा भुक्ति अंतर के साथ अब समय निर्धारण करना पड़ता है कि ये फल हमें कब मिलेगा। अगर कब मिलेगा, अगर ये बात आती है कि ये हमारा इवेंट कब घटित होगा, हमारी घटना कब घटित होगी, तो उसके लिए हमें गोचर को देखना होता है, ट्रांजिट को देखना होता है। गोचर में तीन प्रकार से हम गोचर को देखते हैं, एक तो प्रश्न लग्न की कुंडली बना करके देखते हैं, दूसरा हम ये देखते हैं कि हमारे आरपी जो कार्य ग्रह हैं हम उनको आंकलन में निकालते हैं। हमारे कार्य ग्रह जो जो घटना हमारे साथ निश्चित होती है उनको कार्य ग्रह बता देते हैं कि ये घटना आपके साथ होनी है, इनका योग है, ये योग बना हुआ, पर कब होगा ये हमें जो आज गोचर देखेंगे, आज का ट्रांजिट देखेंगे, आज का जो समय देखेंगे, तो उस हिसाब से हम घटना के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि घटना जो होती हैं, और तीसरी घटना उस वो घटना कहलाती है जो आकस्मिक घटनाएं होती हैं, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाना, बहुत सारे लोगों की अचानक मृत्यु हो जाना, ये विघ्न जो बड़ी घटनाएं होती हैं, दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती हैं, जिनको अचानक किसी की मृत्यु हो जाना, अचानक बीमारी आ जाना, ये सब घटनाएं जो है ऐसी घटनाएं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं। अब घटनाओं का आंकलन हम कैसे करेंगे, इस लिहाज से हम देखें, मान लीजिए कि आपके साथ 10 मिनट में कोई घटना होने वाली है, 15 मिनट में कोई घटना होने वाली है, तो 10-15 मिनट के लिए घटना के लिए हम क्या देखेंगे। हमारा प्रश्न ये पैदा होता है कि भाई चंद्रमा तो उसी नक्षत्र में चलेगा, चंद्रमा तो चेंज होना नहीं है, आज का दिन भी चेंज नहीं होना है, फिर हम कैसे मानेंगे कि ये घटना हमारे साथ 10 मिनट में या 15 मिनट में होगी। मित्रों, इसका एक नियम है, इसका एक रूल है, इस रूल को मैं आज आपके सामने रखता हूँ। हमको ये देखना होगा कि वर्तमान में लग्न कौन सी चल रही है और लग्न कौन से नक्षत्र पर कितने डिग्री की चल रही है, उस नक्षत्र पर कौन सा उपनक्षत्र हमारा आता है, जब घटना से संबंधित उपनक्षत्र जिस भाव से कनेक्शन में आएगा उस भाव से संबंधित घटना आपके साथ घट जाएगी। मान लीजिए कि एक मेरा बेटा है, मेरा बेटा गाड़ी लेके चला जाता है, बोलता है पापा मैं आता हूँ, और वो घटना तो हो गई कि घटना गाड़ी लेके चला गया, मगर वो नियत समय पर 15 मिनट का बोल के गया, नहीं आया, आधा घंटा हो गया, तो अब हम ये देखेंगे कि वो कब आएगा। अगर कब आएगा तो उसको देखेंगे, तो उसके लिए संतान का कारक गुरु है, जैसे कि आप सभी जानते हैं पंचम जो है संतान का स्थान होता है, तो गुरु का उपनक्षत्र जब लग्न में उदय होगा तब मेरा बेटा मेरी गाड़ी को लेके आएगा और तब मुझे उस घटना का लाभ मिलेगा। ऐसे ही मान लीजिए कोई एक्सीडेंट होता है, कोई फायर होता है, कहीं आग लग जाती है, तो हम पुलिस को फ़ोन करते हैं, तो हमें ये निश्चित करना पड़ता है गाड़ी कितनी देर में आएगी या पुलिस कितनी देर में आएगी। तो इसको अगर निकालना होता है तब भी हमें लग्न का नक्षत्र और लग्न का उपनक्षत्र देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ प्रश्न आता है कि इतना तामझाम हम देखें कैसे, लग्न तो दो घंटे की मध्यम मान से 2 घंटे की लग्न मानी जाती है, मगर मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि जो लग्न होती है 1 घंटा 43 मिनट से लेकर के 2 घंटा 16 मिनट तक की लग्नें होती हैं। जैसे कि मेष लग्न होती है 1 घंटा 43 मिनट की होती है, कुंभ लग्न होती है 2 घंटे 16 मिनट की होती है। अब हम 4 मिनट प्रति अंश के मान से अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, घटना का निर्णय करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं धोखा खाएंगे, हम कहीं गलत होंगे। तो इसको निकालने का एक तरीका है, इसको निकालने का एक नियम है, उस नियम को मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। नियम यह है कि लग्न जितने घंटे जितने मिनट और जितने सेकंड की होती है उसमें हम 2 का गुणा करेंगे, तो जितने घंटे की है उतने मिनट आ जाएंगे, जितने मिनट की है उतने सेकंड आ जाएंगे, और जितने सेकंड की है उतने प्रति सेकंड आ जाएंगे। यानी आपके पास एक वो सूत्र बन जाएगा, एक नियम बन जाएगा कि यह लग्न की गति क्या है। मान लीजिए कि मेष लग्न की 1 घंटा 43 मिनट के बारे में बात करें, तो 1 × 2 = 2 हो गए, और 43 का मतलब 86 मिनट को हम लेंगे तो 60 उसमें से माइनस कर देंगे तो हमें 26 मिनट मिलेगा,
और 60 हम इधर इंक्लूड कर देंगे 3 मिनट 26 सेकंड की गति हमें प्राप्त होती है जो प्रत्यंश होगी। अब इस गति से एक नक्षत्र का मान जब निकालेंगे तो एक नक्षत्र जो है 40 मिनट से लेकर 60 या 61 मिनट में पार होता है। ये एक नक्षत्र की घटना है। अगर हम इसके फिर 9 टुकड़े करेंगे, फिर 9 भाग करेंगे जो कि बराबर नहीं होंगे, जो कि दशा के अनुसार होंगे, जब हम उनको करेंगे तो एक एक उपनक्षत्र का मान 4 मिनट 5 मिनट से लेकर के और 9 मिनट तक का मिलेगा। तो घटना का जो पीरियड मिलेगा हमें 4 मिनट से लेकर के 9 मिनट तक का टाइम मिलेगा। अगर हम इसमें और थोड़ी थ्योरी को डीप में जाते हैं, सबसे ब्लॉड थ्योरी को, जिसको फोर स्टेप थ्योरी कहते हैं, अगर उसमें जाते हैं, फोर स्टेप थ्योरी हम यूज करते हैं, तो हम कुछ सेकंडों तक की घटना का आकलन कर सकते हैं। मित्रों, आज मैंने इसके बारे में बात की, ये घटना, ये 15 मिनट 20 मिनट या 1 घंटे और 1.5 घंटे की घटना का आकलन है। अगर हमारी घटना 24 घंटे में घटने वाली है तो हमें 12 लग्नों का और 27 नक्षत्रों में से जो नक्षत्र और लग्न हमारे सूटेबल होंगे, काम के होंगे, उसमें जब लग्न आएगी, उस नक्षत्र में जब लग्न आएगी, उसके उपनक्षत्र में जब लग्न आएगी, तो 24 घंटे में वो घटना हमारे साथ घटित होगी। अब आगे बात करते हैं कि घटना तो 7 दिन में भी हो सकती है, 10 दिन में भी हो सकती है। जब 10 और 7 दिन की घटना का आकलन करेंगे तो मित्रों, अब जैसा कि आप जानते हैं कि 27 नक्षत्र हैं जिनकी आवृत्ति 9 दिन में पूरी होती है, 9 दिन बाद वही नक्षत्र और नक्षत्र स्वामी वापस आता है, तो 9 दिन की घटना के लिए हमें ये देखना होगा कि 9 दिन में पूरी आवृत्ति 9 नक्षत्रों की निकल जाती है, तो घटना के दिन कौन सा दिन है, दिन के हिसाब से, बार के हिसाब से उस घटना का आकलन निकाला जाएगा कि घटना कौन से बार को होगी, कौन से दिन होगी। ये आपके सामने मैंने 9-10 दिन की घटना का आकलन रखा। अब मैं तो बात आती है कि एक महीने में या 28 दिन में कोई घटना होती है तो उसका आकलन हम कैसे करेंगे। उसका आकलन करने के लिए मित्रों, हम चंद्रमा को देखेंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं 27 से 28 दिन में 29 दिन में चंद्रमा एक राशि चक्र को पार करता है। तो हम चंद्रमा के राशि और नक्षत्र को लेकर के और उसके उपनक्षत्र को लेकर के घटना का हम आकलन करेंगे, तो वो घटना का इवेंट हमें एक सही स्थिति बताएगा। मित्रों, अब बात आती है कि साल भर की घटना का आकलन हम कैसे करें। तो साल भर की घटना के लिए सूर्य को सिद्धांत में दिया हुआ है, सूर्य सिद्धांत देखिए, पढ़िए, सूर्य सिद्धांत में दिया हुआ है कि सूर्य प्रतिवर्ष उसी दिन उसी राशि उसी दिन उसी राशि में उसी नक्षत्र में प्रवेश करता है। एक वर्ष में सूर्य जब प्रवेश चलता है तो एक वर्ष में 6 घंटे 25 15 मिनट का फर्क इसमें आता है, और ऐसे ही 4 साल का 3 साल का फर्क जब आ जाता है तो 34 साल में जा करके एक फरवरी हमारी 28 की बजाय 29 की हो जाती है, जिसको हम कहते हैं लीप ईयर। तो 34 साल में ये बराबर हो जाता है। कुल मिला के बात यह है कि तो सूर्य हमेशा आपको ये आंकलन में आना चाहिए कि निश्चित तारीख को निश्चित राशि में और निश्चित नक्षत्र में होता है। तो साल की घटना के लिए हम सूर्य का आंकलन करके सूर्य की दशा, सूर्य की राशि और सूर्य का नक्षत्र और सूर्य के उपनक्षत्र से हम ये आंकलन कर सकते हैं। अब आगे जाएं तो 2.5 साल और 3 साल की जब बात करेंगे तो हमें शनि के नक्षत्र, शनि की गोचर को देखना होगा। शनि के गोचर में जब शनि जिस राशि से और जिस नक्षत्र और जिस उपनक्षत्र से गोचर करेगा उसमें घटना होगी। मित्रों, ये मेरा आज का थोड़ा सा आपसे थोड़े ज्ञान की चर्चाएं हुई। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समय हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रो मित्रम, एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।